इन्फिनिटी लूप है, और जब आपको इस सारा इस तरह और ये एंट्रेंस देख रहे हैं, ये एप्पल के जो है इन्फिनिटी लूप है एम्प्लॉयज़ की, यहाँ से एंट्रेंस आती है। तो ऑर्डर प्लेस हो चुका है, एप्लीकेशन उसने अकाउंट से पुल की, एंड में सिर्फ उन्होंने कार्ड को रीकन्फर्म किया किस कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं। मोर डिटेल्स के क्या प्लान है, कितने पैसे दिए, क्या सीन है, वो इस वीडियो के बाद में आपको सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा जो अच्छी बात ये हुई है कि 20 सितंबर को जिसमें मैंने मेंशन किया था कि लॉन्च हो रहा है, हमें वही स्लॉट मिल गई है। डिफरेंट टाइम्स नज़र आ रहे थे, तो 2 बजे तक बुक हो चुका था, 2 बजे से ऑनवर्ड्स नज़र आ रहे थे बाकी जितनी लोकेशन थे मेरे आसपास। तो जो सी स्पेशल लोकेशन पर हमें जाना है, जो इस इंशाल्लाह वीडियो में नज़र आएगी, वहाँ पर 2 से आगे थी, तो 3:15 जुमे के बाद आराम से एमसी के पास जाएंगे हम पिक करने। तो 3:15 से हमारी स्लॉट है 50 मिनट्स की, 3:15 to 3:30। तो इंशाल्लाह आपको जो दोबारा मुलाकात आपसे होगी वो होगी 20 सितंबर को, बिल्कुल आगे क्लिप नज़र आ जाएगा, तो आपको फिर दिखाते हैं अपना एक्सपीरियंस। तो आज है 20 सितंबर, फ्राइडे का डे है, तो पहले चलते हैं एमसी, आपको जुमा दिखाते हैं। जो एमसी है इस वन ऑफ द लार्जेस्ट मस्जिद प्लस कम्युनिटी सेंटर इन द बे एरिया। बे एरिया से मुराद होता है कि आपका सैन फ्रांसिस्को से लेके सैन होजे सिटी तक है, सारा बे एरिया है कैलिफोर्निया के अंदर। और मैं सेंटा क्लारा में हूँ, एमसी भी सेंटा क्लारा में है। सेंटा क्लारा जो है सिलिकॉन वैली है, आपके टॉप जितने भी आईटी ब्रांड जो स्टार्ट हुए थे वो यहाँ से हुए थे, स्पेशली इंटेल वो यहाँ से सिलिकॉन वैली का जो सेंटा क्लारा से स्टार्ट हुआ था। इसके बाद हमने जाना है कुपरटिनो। कुपरटिनो मेरे घर से या आप कह लें सेंटा क्लारा से 10 मिनट की ड्राइव है, और कुपरटिनो की खासियत है एप्पल, और एप्पल का जो आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं सारी वहाँ पर हैं। तो जो और हम एमसी पहुँच गए हैं, तो ये एमसी अंदर से है, थोड़ा सा मैं दिखा दूँ आपको। ये मेन हॉल है, ये मेन लॉबी है, और इस तरह पीछे को भी जाती रहती है, तो किसी दिन पूरा टूर दिखाऊंगा आपको। तो जो अभी मैं अंदर दिखा रहा था, ये कह लें सिर्फ 15% है फैसिलिटी, सर मैसिव फैसिलिटी। और यूएसए में बहुत कॉमन है, मल्टीपल जुमास होते हैं, 3 होते हैं, 12:30, 1:30, और थर्ड वन इज़ 3:30, क्योंकि हाई स्कूलर्स जो होते हैं उनकी छुट्टी 2:30 बजे होती है, तो उन बच्चों के लिए भी रखा हुआ इन्हें। और ये है आपका भाई, हेलो। तो सारी अंडरग्राउंड पार्किंग है यहाँ पर, और कभी आपको परेशान नहीं पड़ता कि पार्किंग होगी या नहीं होगी। तो गाड़ी पार्किंग में लगा ली है, और एक्साइटमेंट फुल ज़्यादा है, तो जाके आपको सारे अगले स्टेप्स दिखाता हूँ आईफोन के। तो ये सारा इनका पार्किंग है, मल्टीपल लेवल्स हैं, तो आप कभी भी आएँ बाहर रोड्स पर नहीं ढूंढनी पार्किंग, आपने आराम से बेसमेंट में आ जाना, इसके बेतहाशा पार्किंग है। और ये देखें एप्पल विजिटर सेंटर, तो लाइन लग चुकी है, तो चेक इन करवाते हैं। तो अभी हम वो उधर से गैराज में पार्क करके आए हैं, और ये स्टोर है, इसको एप्पल विजिटर सेंटर कहते हैं, क्योंकि इसके बैक साइड पर है मेन इन्फिनिटी लूप, और आपको थोड़ा सा ग्लिम्स उसको वो भी दिखा देंगे। अब जाके हम लाइन में लगते हैं, क्योंकि 3:15 की हमारी स्लॉट है, और इस वक्त 3 बज रहे हैं, और आप लाइन में 10-12 लोग तो हैं, और जो भी बंदा जा रहा है उसके पास आईफोन का बॉक्स ही है। अपना चेक इन करवाते हैं, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। तो जब फ़ोन आपका रेडी होता है पिकअप के लिए, तो आपका क्यूआर कोड आ जाता है ऐप के अंदर, तो वो क्यूआर कोड मैंने चेक इन करवा दिया कि भाई मैं लाइन में हूँ, तो जिस तरह लोग अंदर जा रहे हैं दूसरे से एग्ज़िट कर रहे हैं, तो हमें मिल जाएगा। तो जिस तरह लाइन है,
और आप अंदर जा सकते हैं और पीछे चेक इन हो रहे हैं। And the 16 Pro, the new color? New color. Yeah. I was wondering if you stuck with the natural or just No, switched up. I had to change it. Yeah. I saw it in person for the first time. तो चेक इन हो चुका है, पहले आपको थोड़ा सा स्टोर दिखाते हैं, फिर अपना फ़ोन हम पिक करके आपको उसकी अनबॉक्सिंग और थोड़ा सा साइड पर कैंपस दिखाते हैं, क्योंकि स्टोर इटसेल्फ इसमें बहुत कुछ है, सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं है। तो ये बंदा भी साइन हुआ है। Yeah. Did you want to go and trade in your phone now? Yeah, sure. Sweet. So ये टेबल आईफोन 16 के लिए है। अगेन आपके दोनों वेरिएंट होते हैं 16 और 16 प्लस, द न्यू अल्ट्रा मरीन। और आप उठा के देख सकते हैं कौन सा फ़ोन आपको सूट करता है, कौन सा नहीं करता। इसी तरह मुझे जो सूट या पसंद आया है वो ये है, लाइक इसका जो शेड है ग्रीन का, बहुत बहुत प्यारा है। अगेन दोनों इसी तरह आपके साइज़ पड़े हुए हैं। इसके अलावा ये द पिंक इज़ वेरी प्रीटी, लाइक इन पर्सन में जो है ना इसका जो शेड है, तो कैमरा तो जस्टिफाई नहीं कर रहा। इसी तरह आपका वाइट आ गया एंड द मैट ब्लैक। तो सारे आपके चॉइसेस हैं, लेकिन जो थोड़ा सा कंसर्न फील होता है, देखें स्क्रैच देखने, आज डे वन है। तो इसी तरह आपके सारे लगे हुए हैं यहाँ पर iPhone 16। अब ये टेबल है, ये iPhone 16 Pro का है। आपको सारे इस ये यहाँ पर कलर्स लगे हुए हैं। अगेन लाइव डेमोज के लिए आपके पास दोनों वेरिएंट 16 Pro और Pro Max, ये इसका जो नया कलर आया है। और ये आपका नेचुरल टाइटेनियम आ गया है। इसी तरह आपका इसमें वाइट है और आपका मैट ब्लैक, लेकिन आप ये देख रहे हैं स्क्रैच लगा हुआ है। तो ये टेबल जो है 16 Pro Max का है। इसी तरह ये आपकी न्यू एप्पल वॉच सीरीज 10 है। अगेन लाइव प्रॉपर एक्चुअल पीसीज हैं, तो अगर आप चेक करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, यू कैन डू दैट। फिर आपकी आ जाती है अल्ट्रा वॉच का जो नया कलर आया है सैटिन ब्लैक में, साथ में इसका जो स्ट्रैप है। अगेन लाइव वॉचेस होती हैं, आप देख सकते हैं कि फील कैसी है इसकी और क्वालिटी क्या है, सब कुछ आप खुद देख सकते हैं बिफोर बाइंग अ प्रोडक्ट। तो सारी वॉल्स इसी ग्लास की हैं और सारा स्टोर है। तो ये प्रोडक्ट शोकेस वाला एरिया है, थोड़ा साइड पर आती हैं, तो यहाँ पर ये स्पेशल एडिशन है क्योंकि ये विजिटर सेंटर है। तो ये आईपैड इस आपको मिल जाता है और ये सारा डेमो है ऑफ द एक्चुअल कैंपस। तो ये इसका पार्किंग स्ट्रक्चर है, ये इन्फिनिटी लूप है, और जब इसको इस तरह करेंगे तो ये देखें डिटेक्ट करेगा और सब कुछ बताएगा, टैप एनीवेयर, और आपको सारा इस तरह नाइट और डे नज़र आना शुरू हो जाता है कैंपस। तो आपके जितने भी प्रोडक्ट रिलीज़ होते हैं जो आप कीनोट देखते हैं वो तो स्टीव जॉब्स थिएटर से होता है, तो आप ये देख सकते हैं। और अगर आप अंदर से देखना चाहें तो इस तरह का लेआउट है सारा, ओपन स्पेस, और वो जो आपको रिंग नज़र आ रहा है कई वीडियोस में आपको नज़र आ चुका है। तो ये प्रोडक्ट फ्लोर हो गया, वो इन्फिनिटी लूप वाला हो गया। इस चीज़ की खासियत एक और है, वो है इधर तो एप्पल का अपना जो है कैफे भी है। तो ये इनका कैफ़े है, मेन्यू जो आईपैड्स पर ही हैं, तो अगर कोई चीज़ समझ आती है आपको आइस एस्प्रेसोस में जाते हैं तो सारे नीचे फ्लेवर्स हैं, टीज हैं, तो हम भी कुछ पकड़ते हैं फिर आगे जाके आपको दिखाते हैं।
that is okay? Yeah, that is okay. Okay. And a regular milk is okay? हमें हमारा आईफोन मिल चुका है तो बैठने की जगह ढूंढ के फिर आपको आईफोन अनबॉक्स करके दिखाते हैं। और जब आप कैफे से निकलते हैं तो ये स्टेयर्स ऊपर जाती हैं, ये जीवी दिखाने के लिए आपको। तो इस तरह आपने सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आना है और फिर आपको एक सीनरी नज़र आएगी जो बहुत यूनिक है इस कैंपस की। तो ये सारा वो आपको दिखा रहा था ना मैं, इन्फिनिटी लूप। तो ये एक्चुअल हम लिटली अक्रॉस द रोड हैं, सारा आपका एप्पल इन्फिनिटी लूप है। तो हम रूफ पर आ चुके हैं, पीछे आपको एप्पल का इन्फिनिटी लूप नज़र आ रहा है। एप्पल की हमारी कॉफ़ी भी आ चुकी है, लेकिन आज का जो स्पेशल प्रोडक्ट है दैट इज़ द आईफोन। तो आईफोन को ने बैग में डाल के प्रॉपर दे चुके हैं उन लोगों ने, तो अपना फ़ोन निकालते हैं। ये हमारा फ़ोन आ चुका है और इसको अनबॉक्स करें और फिर आपको फर्स्ट लुक भी दिखा देते हैं। तो वन एंड नंबर टू, बस पहले ही वक्त में गिर ना जाए। इस तरह आपका आईफोन आ चुका है, इसको हम पुल करें। ओहो ठंडा, आई थिंक द बेस्ट पार्ट यही होता है फ़ोन का। तो ये हमारा फ़ोन आ चुका है, मैंने ऑर्डर किया था जो सा न्यू इनका कलर आया है द डेजर्ट टाइटेनियम। कैमरा जस्टिफाई नहीं करता लेकिन बहुत बहुत लाइक जिस तरह होता है ना सैंड का एक लाइट कलर होता है, गोल्डन सैंड। तो ये लिया था। इसके अलावा बॉक्स में आपकी केबल आ गई और आपकी इंफॉर्मेशन वाले एप्पल स्टिकर्स ख़त्म हो चुके हैं, तो सैड ना ही ये अब देते हैं आपको चार्जर। तो ये हमारा बॉक्स आ गया है। जो मेजर डिफरेंस है इस फ़ोन में, एक तो आपका कैमरा स्लाइडर आ चुका है, स्क्रीन जो साइज़ है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया क्योंकि मेरे पे इस वक्त जो जिसमें शूट हो रहा है दैट इज़ द 15 प्रो मैक्स, तो वो 6.7 या 6.9 है। इसके अलावा कोई मेजर डिफरेंस है नहीं। जो एक चीज़ मुझे बहुत तंग करती थी अपने मौजूदा फ़ोन के साथ वो था ओवर हीट बहुत होता था। तो कई बार वीडियो शूट कर रहे थे तो मुझे रुक के ठंडा करके फिर वीडियो दोबारा स्टार्ट करनी पड़ती थी। तो अपेरेंटली दिस है कि वो इशू जो है इसमें रिजॉल्व हो चुका है, लेकिन हम यूज़ करेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा। बाकी इस फ़ोन को जो सेटअप करना है वो घर जाके करेंगे। तो थोड़ी सी और बातें मैं बताना चाहूँगा। तीन तरीकाकार होते हैं फ़ोन लेने के USA में, आप फुल पेमेंट कर दें या 24 मंथ्स की फाइनेंस कर लें विथ ज़ीरो इंटरेस्ट, मतलब कोई आपने इंटरेस्ट नहीं पे करना होता, वो एप्पल के थ्रू होता है। और तीसरा होता है इनका अपग्रेड प्लान। आप सोच रहे होंगे यार अभी तो 15 है तो वाई द 16। तो मैंने जब 15 लिया था तो मैंने ऑप्ट किया था फॉर द अपग्रेड प्लान। उसमें ये होता है कि यू पे अ बिट एडिशनल जो भी आपके एक्चुअल अमाउंट होती है, और हर 12 महीने के बाद दे गिव यू एन ऑप्शन कि आप पुराना फ़ोन को ट्रेड इन करें और आप हमसे नया मॉडल ले लें। ये चीज़ होती है। इसके अलावा अगर आप कन्वेंशनल रहते हैं कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल फुल अमाउंट पे की फ़ोन की, उसके बाद कहते हैं यार आप मैंने नया फ़ोन लेना है, तो दे हैव द ट्रेड इन के फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि 15 जो है इसकी हम वैल्यू डिफाइन करते हैं $800, तो आपको 800 का क्रेडिट मिल जाएगा, यू पे द एडिशनल एंड यू गेट द न्यू फ़ोन। इसके साथ जो एक मैं टिप देना चाहूँगा टू द न्यू इमिग्रेंट्स, वो ये है कि आप जब नए नए USA आएँ, पहले साल या पहले 2 साल कोशिश करें कि मेजर एक्सपेंस ना करें, इवन फ़ोन तक ना लें। जब मैं नया नया आया तो मेरे पास आईफोन 10 था, 2 साल मैंने आईफोन 10 को इस्तेमाल किया। क्यों? कोई मेजर एक्सपेंस नहीं करना, पहला साल तो बहुत क्रूशियल है। आप आएंगे, आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड होगा, चीज़ें होंगी, आपके बाइंग पावर होगी, बट एक जनरल रूल यहाँ कहता है कि आपका जो मंथली एक्सपेंस होता है ना
उसको मल्टीप्लाई बाय 6 आपके पास हमेशा रिजर्व होना चाहिए. फिर आप कहते हो कि आप थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबल हो यूएसए में एज ए न्यू इमिग्रेंट, फिर यू डू द लाइक द कि मैंने फ़ोन लेना है, फलाना लेना है, ये लेना है, गाड़ी लेनी है. तो मेक श्योर जब भी आप आएँ खर्चों को अपने कम से कम रखें, ज़्यादा एक्सपेंस ना करें. तो मैंने ये किया, मैं आया, मेरे पास आईफोन 10 था, सही चल रहा था. तो 2 साल तक हमने इसको इस्तेमाल किया, तो तब तक आ चुका था आईफोन 15. तो फिर मैंने कहा कि अब टाइम टू अपग्रेड, क्योंकि 2 साल हमें हो चुके हैं. उसके बाद जो वीडियोस बनाते थे इट वॉज कह लें थ्रेशहोल्ड पर ही था. तो फिर मैंने 15 लिया. जब 15 लिया तो उसमें अपग्रेड प्लान था. मैंने कहा अमेजिंग, एक मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि एक तो वीडियो बन जाएगी कि अपग्रेड प्लान है कि, और मेरा भी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा कि फ़ायदेमंद नहीं है. इस साल हम अपग्रेड प्लान में से अभी भी ऑप्ट इन हुए हुए हैं, तो अगले साल देखेंगे कि अपग्रेड करेंगे टू द न्यू मॉडल या उसी जो जैसे ये आईफोन है 16 है, इसको हम अपने पास ही रखकर रहने देंगे और वी कैन बाय अनदर फ़ोन, और इसको फिर हम किसी और फैमिली मेंबर को दे सकते हैं, या आपके पास एक बैकअप फ़ोन भी हो सकता है. तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन यूएसए व्हाट दे डू इज़ के एक बंदा फ़ोन लेता है, पिछला मॉडल होता है, वो किसी और फैमिली मेंबर को देता है, तो दे स्विच अराउंड. कुछ लोगों को नहीं टैक्स सेवी होती या किसी का यूज़ ही नहीं होता, तो वो कहते हैं कि हमें नया मॉडल चाहिए नहीं, फ़ोन चल रहा है चलने. तो डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, आपको जो बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं. तो खुद बाय कर लें, फाइनेंस कर लें विद एप्पल, या आप तीसरा है कि आप अपग्रेड प्लान में हो. इसके अलावा जो कैरियर्स होती हैं, तो मैं हमेशा फ़ोन वो लेता हूँ जो अनलॉक्ड होता है, कैरियर लॉक नहीं होता, क्योंकि उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं. उससे आपने कैरियर से निकलना हो, कैरियर का मतलब है जो आपका नेटवर्क प्रोवाइडर है, जैसे जोंग जैज होते हैं. तो यहाँ पर वेराइजन हो गया, टी मोबाइल हो गया, AT&T हो गया, तो उनसे मैं दूर रहता हूँ. मेरे पास फ्रीडम होती है, जिस तरह मेरे पास पहले वेराइजन था, एज स्विच टू टी मोबाइल, और फिर टी मोबाइल का वर्स्ट किस्म की इसकी सर्विस थी मेरे एरिया में, तो फिर मैं दोबारा वेराइजन में गया. तो आपके पास फ्रीडम होती है कि अगर आपका नेटवर्क ठीक नहीं है तो आप फ़ोन जो है वो फ़ोन वही रह रहा है, बस आप नेटवर्क चेंज कर पा रहे हैं. तो ये चीज़ को ख्याल करना है कि आप अगर किसी कैरियर कॉन्ट्रैक्ट में हैं तो उसको आप तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, फलाना बहुत उसकी अपने मसले मसाइल होती हैं. तो नेक्स्ट ईयर देखेंगे कि नया फ़ोन आता है उसमें कुछ खासियत होती है, अपग्रेड करना नहीं करना, तो आपको वीडियो नज़र आ जाएगी. एक कमिंग वीडियो आ रही है क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर, कि जिसके अंदर मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि आप अगर क्रेडिट कार्ड जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं यूएसए, उसकी ज़रूरत क्या है, क्यों करनी चाहिए, और मेरी जर्नी क्या थी. तो प्लीज़ वीडियो को जो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वो जो वीडियो जब भी आए तो आपको पता लग जाए और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी आपके लिए. और इसके अलावा अच्छी बात ये थी, जब मैं आया हूँ उन्हें ये 3 ऑप्शंस दिए. वो कहते हैं कि या तो आप हमारे वाईफाई से कनेक्ट करें, अपने फ़ोन को iCloud पर बैकअप करें, और आपको हम नया फ़ोन देते हैं तो उसमें जब iCloud ID डालेंगे तो सारा डाटा पुल कर लेंगे, नंबर 1. नंबर 2 कह रहे थे कि आप हमारे सामने भी बॉक्स ओपन करें, आपको एक हमारा ही जो बंदा है एप्पल, जो जीनी कहते हैं आई थिंक, वो आपको हेल्प करेगा फ़ोन को क्लोन करने में, आपका डाटा ट्रांसफ़र. और नंबर 3 वो कहते हैं कि आज से लेके अगले 14 दिन तक आप दोनों फ़ोन ले जाएं, बॉक्स पैक आईफोन 16 और जो आपके पास आईफोन 15 है, और घर जाकर तसल्ली से आप अपना फ़ोन को बैकअप करें, अपना सिम ई सिम होती है ई सिम को ट्रांसफ़र करें, आ जाना चाहिए आ जाके वापस कर दें, या 14 दिन बताएंगे तो 14 दिन के अंदर अंदर आके आप फ़ोन वापस कर सकते हैं जो उनसे ट्रेड इन होना है. क्योंकि अगेन इट्स अ अपग्रेड प्लान एप्पल का, जो था ये पुराना मॉडल उनको दे रहा हूँ, नया मॉडल में मिल रहा है. तो मैंने कहा इससे अच्छी बात हो ही क्या सकती है कि मैं दोनों फ़ोन रख सकता हूँ. उससे फ़ायदा ये है कि मेरे पास एक शूट करने के लिए फ़ोन है, आई कैन मेक द वीडियोज़, जाके आराम से तसल्ली से डाटा ट्रांसफ़र करके देखेंगे क्लोन हो गया है, और कल परसों में जाके वहाँ पर फ़ोन को वापस कर देंगे. तो इसलिए मेरे पास आईफोन 15 प्रो मैक्स भी है एंड द 16 प्रो मैक्स. फिर बंदे को होता है कि यार हाउ कम, क्योंकि आपके जब कोई फ़ोन ले रहे हैं तो आपने अपनी सारी बैंकिंग हिस्ट्री दी हुई है, आपके डिटेल्स हैं, वो अकाउंट्स चल रहे होते हैं, तो उनकी लाइबिलिटी तो कोई भी नहीं ना. अगर आप पुराना फ़ोन ही वापस करेंगे तो वो अकाउंट्स पर मंथ जो आपका कट रहा है वो कट रहा है. और इसके अलावा अगर जो आप 24 मंथ्स की करवाते हैं विद एप्पल, विच इज़ इंटरेस्ट फ्री,
तो मेक श्योर आप जब भी साइन अप कर रहे हो तो टर्म्स एंड कंडीशन रीड कर लें. तो एज ऑफ टुडे इट्स इंटरेस्ट फ्री, बस देयर इज अ स्प्लिट द अमाउंट कि अगर फॉर एग्जांपल एक फ़ोन अगर 1000 का दे विल स्प्लिट इन टू 24 मंथ्स. तो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ें, जो आपको बेहतर लगे वो कर सकते हैं. इसके अलावा इसको हम पैक करते हैं, वापस इसको लगाते हैं और फिर आके आपको वीडियो कंटिन्यू करते हैं. तो टू माय सरप्राइज, एक तो कॉफ़ी की प्राइस बहुत रीज़नेबल है क्योंकि एप्पल ओवर चार्ज फॉर एवरीथिंग, और जो टेस्ट है इट इज़ वेरी रीज़नेबल. तो अगर आप इस एरिया में हैं, अगर आपको मौका मिलता है टू सी द इन्फिनिटी लूप या ये विजिटर सेंटर वाला एप्पल स्टोर, ज़रूर आइएगा, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस. तो वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं. सारे आपके केस हैं, अगेन टेक्सचर देखना चाहते हो, कौन सा समझ आ रहा है कौन सा नहीं समझ आ रहा, उतार के फ़ोन पे लगा के देख लें. तो इसी तरह इस वॉल पर सारी आपके एक्सेसरीज लगी हुई हैं, कीबोर्ड, चार्जर्स, माउस, एप्पल की शर्ट्स, द आइकॉनिक लोगो और मग्स भी लगे हैं. ये आइकॉनिक है, ये अच्छा मग है. बट अगेन इसी तरह शर्ट्स हैं, जो सी शर्ट आपको समझ आती पसंद आती है आप ले सकते हैं. तो एप्पल स्टोर काफ़ी मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है क्योंकि कौन एप्पल को नहीं जानता. तो इसी तरह सारी ब्रांडिंग हुई, आईफोन 16, द 16 प्रो, ये सारा हिस्सा जो था ये आपका इन्फिनिटी लूप वाला है, दैट इज़ अ कैफे. और थोड़ा सा आपको क्विक टूर देता हूँ फिर हम चलें. तो ये सारा आपका एप्पल स्टोर, एप्पल का विजिटर सेंटर है. और ये एंट्रेंस देख रहे हैं, ये एप्पल के जो है इन्फिनिटी लूप है एम्प्लॉयज़ की, यहाँ से एंट्रेंस होती है और सारे इस कैंपस चलता रहता है. देखो तो आप इसी तरह कैफ़े आ गया, इसका आउटडोर सिटिंग एरिया, स्टेयर्स जा रही हैं पार्किंग में और यहाँ से हमने एंट्री की थी जो चेक इन था हमारा. तो इसी तरह लाइन होती है, लाइन में आपने अपना चेक इन करवाना होता है. तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद है. वीडियो पसंद है तो लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन, यहाँ पर साइड में मेरा इंस्टाग्राम पेज और उसको जाकर फॉलो करें. जिंदगी तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी वीडियो में, तब तक लिए मैं इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें. बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, पीस आउट.